गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं माँ यमुनोत्री के धाम। आप सामने देख सकते हो वो बहुत तेज बारिश चल रही है पिछले दो घंटों से। ये सामने आप दरबार देख सकते हो, ये मंदिर का धाम। जस्ट एक क्लिक के लिए मैं माँ यमुनोत्री का धाम आप देख सकते हो। इधर आप देख सकते हो गर्म पानी का कुंड जिसमें यात्री स्नान करते हैं। मंदिर है बिल्कुल नजदीक। अभी मैं उस पॉइंट पे खड़ा हूँ जहाँ पर आप अक्सर देखा करते हैं लोग अपने घर से कच्चे चावल लेके आते हैं और इस कुंड में उबाल कर प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं। सो फ्रेंड्स आपको भी दिखाते आइए जहाँ पर लोग अपने घर से चावल लेके आगे प्रसाद के रूप में उबाल के ले जाते हैं।
गाइस फाइनली हमने यमुना मैया जी के दर्शन कर लिए और दर्शन करके अब हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, बारिश बहुत तेज हो रही है यहाँ पर अभी भी, तो देखते हैं कैसा रहता है आगे मोर। और अब वापिस हम अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। सो गाइस फाइनली हम दर्शन करके वापसी अपनी घर की तरफ जा रहे हैं। जाते वक्त और आते टाइम हमें फुल रास्ते बारिश मिली, ऊपर हमें स्नोफॉल भी मिली। और इस वक्त हम वापस जा रहे हैं और वापसी में आपको दिखाते हैं किस तरह का रास्ता और किस तरह का कीचड़ हुआ है रास्ते में। अब बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। फाइनली हम अब जानकी चट्टी पहुंच चुके हैं जहां से हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट हुई थी। और अब हम यहां से देर ना करते हुए वापस चलते अपनी घर की तरफ, क्योंकि यहां मौसम बहुत खराब हो चुका है और मेरे पीछे आप देख सकते हो पैदल का रास्ता। सो फ्रेंड्स अब चलते हैं वापस अपने घर की तरफ। गाइस फाइनली हम कैंपटी फॉल के पास पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये रास्ता सीधा कैंपटी फॉल की तरफ जा रहा है। और अब हम भी जा रहे हैं कैंपटी फॉल और उसके बाद फिर जाएंगे हम अपने घर वापसी।
फाइनली हम एक मैगी पॉइंट पे आ रुके हैं, जहां हमने सोचा एक मैगी का स्वाद किया जाए, क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप पहाड़ों में आए हैं और आपने मैगी ना खाई तो उन पहाड़ों का क्या मजा। सो फ्रेंड्स, हमने भाई से, जो हमारे पीछे आप देख सकते हो, इनको मैगी बनाने को बोला और अभी देखते हैं ये कैसी मैगी बनाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि हमें कैसा लगा मैगी खा के। A few moments later. So guys, आज भैया जी ने मैगी बहुत स्वाद बनाई है, आप देख सकते हो, और मैगी खा के बहुत मजा आया अभी। मैगी खा के उसके बाद हम जाएंगे अभी देहरादून गुपचुप पानी में और वहाँ जाके देखेंगे कैसे भी हो। सो गाइस, फाइनली हम उस पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ से गुपचुप पानी का रास्ता देहरादून वाले रूट से अलग होता है। मैं आपको बता दूँ, ये जो रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रास्ता जाता है गुपचुप पानी में, और ये रास्ता मेरे पीछे जो ये जाता है देहरादून में। सो फ्रेंड्स, आइए देर न करते हम चलते हैं गुपचुप पानी की तरफ। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुपचुप पानी के पास, जो कि देहरादून में है, और यहां पर बारिश ऑलरेडी हो रही है, तो फिर भी हम गुपचुप पानी जा रहे हैं। अगर हम आपको व्यू दिखाएं गुपचुप पानी का, बिल्कुल में हमारे सामने है, ये देखिए फ्रेंड्स, यही है वो गुपचुप पानी। फ्रेंड्स, हम बिल्कुल अब मेन गेट पे पहुंच चुके हैं गुपचुप पानी के, यहाँ से हमें अभी टिकट लेनी पड़ेगी उसकी। सो पहले हम लेते हैं टिकट और फिर उसके बाद चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुपचुप पानी, और अब सीधा जा रहे हैं हम आगे। मेरे साथ मेरा फ्रेंड है हरि नारायण, और आगे का व्यू आपको दिखाते हैं, जाके व्यू देखिए, ये बिल्कुल सामने से है, और अभी थोड़ा हमें पैदल और जाना पड़ेगा आगे जाके, फिर आपको दिखाएंगे जैसी भी जो भी वहां की वीडियो आएगी आपको। फ्रेंड्स, यहां से शुरुआत होती है हमारी इस एडवेंचर की, गुपचुप पानी की। ये देखिए, अरे ये एक सुरंग है, इसके नीचे वही जो है भाई गुपचुप पानी, उसके अंदर ही तो जाना है हमें, सुरंग के अंदर। Thank you.
दिल्ली के एक छोटा सा समाप्त होती है। इसके बाद हम सीधा जाएंगे अपने घर और आप स्टैंड दिखा देता हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, आपको मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहे हमारे साथ इसी तरह और अपना प्यार बनाए रखें। सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।